Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we will be talking about again about enlightenment. In the past 2-3 days some of my friends was talking about enlightenment and the videos we have made, and they were saying that they are not able to understand exactly what enlightenment is. Now today we will try to understand and explain the nature of enlightenment from different perspective, from different angles, so that it becomes clear whoever is seeing our videos on enlightenment. Sharmaji, yogic point of view se enlightenment ko ya bodh ki sthiti ko kisi dusre dhang se, theek hai, kisi dusre perspective se hum yadi samajhna chahein aur samjhana chahein. जो भी हमारे वीडियोस आजकल देख रहे हैं तो किसी दूसरे एंगल से हम समझ सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की थी वीडियोस के बारे में जो हमने एनलाइटनमेंट पे बनाया, बोध पे बनाया, तो उनका यही कहना था कि कुछ बातें समझ में आ रही हैं और कुछ बातें वो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो किसी दूसरे ढंग से ऐसे एंगल से उसमें प्रकाश डालिए कि थोड़ा सा और क्लियर हो और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, सिंपल साधारण शब्दों में. बिल्कुल, योगिक आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो इसी बोध के बारे में इस तरीके से अपना अनुभव पेश करते हैं कि बोध जो है, बोध की स्थिति में, ये बात हमने पहले ही बता दी कि बोध की स्थिति में वहाँ पर अपना अस्तित्व नहीं होता. मगर बोध की स्थिति में अगर अपना अस्तित्व नहीं होता तो ये समझ में कैसे आता, और फिर ये बाद में इसी शरीर में ये बुद्धि और मन बुद्धि चित्त में ये चीज़ें कैसे बनती हैं, ये एक प्रश्न हो सकता है इसमें. तो इसके लिए एक छोटा सा एक उदाहरण मैंने दें कि अगर किसी व्यक्ति ने जिसकी उम्र 20 साल है और वो 20 साल वाला यंग बच्चा जो है ना, वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि ये विचार से वो कोई एक इंडिया से वो जा रहा है, विदेश जा रहा है, या इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो उसकी प्लानिंग कर रहा है. जो प्लानिंग कर रहा है, विचार कर रहा है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका संकल्प है, ये सब, ये सारे शब्द जो शास्त्रों में अलग अलग लिखे गए, इनका सभी का एक ही अर्थ है कि जो विचार किया गया है, जो हम विचारधारा है, संकल्प है, लोगों ने अपने अपने ढंग से अगर इनमें थोड़ा सा भी फर्क निकाल करके अपने दिशाओं को लेकर चले तो ये बहुत समझाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है. ये आप जो विचारधारा की है उसने, वो विचारधारा के जहाँ जहाँ जाएगा, अगर वो इंडिया से भारत से वो जा रहा, अमेरिका जा रहा, अमेरिका से थाईलैंड जा रहा, तो थाईलैंड जाने के समय पर वो यहीं दिल्ली में बैठा हुआ है, भारत में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठे बैठे ये विचार कर रहा है. तो विचार करते समय वो अपने आप को, वो व्यक्ति अपने ये भाव नहीं खोता है कि मैं 21 साल का व्यक्ति हूँ, वो अपने को 80 साल का व्यक्ति नहीं बताता, अपना भाव नहीं खोता. मगर भाव कहीं पर बताता भी नहीं है. अपने को भाव बताता नहीं कि मैं 21 साल का आया हूँ, मुझे ये, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं इस काम से, इस बिजनेस, ऐसा नहीं बताता. वो अपना उसका भाव बना रहता है. तो जो इस जैसे इसका भाव बना रहता है, ये इसका अनुभव के द्वारा है, ना कि अनुमान के द्वारा. अनुमान के द्वारा अगर इसका भाव रहेगा तो 80 साल का भी हो सकता है, और गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, और पेड़ पौधा भी हो सकता है. तो अनुमान से नहीं, अनुभव जो उसका संबंध और संस्कार से, जो उसके पूर्व अनुभव है, उनके आधार पर वो विचार कर रहा है. ये जो उसका सिस्टम उसने विचार करने का था, अगर वो थोड़ी देर में विचार उसने फैलाया और वो थाईलैंड तक, यहाँ से भारत से अमेरिका, अमेरिका से थाईलैंड चला गया, मगर अभी चंद सेकेंड में वो ये कहता है कि ये सारा सब कैंसिल, तो वो सारा सबमिट करके फिर उसी जगह पे अपने केंद्रित में आ जाता है, और वो जो विचारधारा थी वो समिट गई. अब ना तो कोई अमेरिका रह गया, ना कोई थाईलैंड रह गया, और ना कोई इंडिया रह गया, कुछ नहीं रह गया. अब ये एक 21 साल का एक व्यक्ति रह गया, वो अपने में केंद्रित हो गया आकर के. तो ये जो इसकी, ये जो हमने इस तरीके का आपको एक उदाहरण दिया, ये मैंने इसलिए दिया कि जब हम बोध करते हैं
तो बोध की अवस्था में जो तीन उसके प्रिंसिपल बताए गए हैं योगिक साइंस में, जो आपने पहले देखे और सुने पढ़े होंगे, तो वो जो तीन प्रिंसिपल उसके बताए गए हैं, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है ये अपने में एक कार्यरत है, कार्यरत फार्मूला, वो बनाने में है, नहीं बनाने में है, कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस पर नहीं, इस पर अभी कोई ना विचार है, ना इस पर कोई चर्चा है, कोई प्लानिंग कुछ नहीं है, नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बस वो गतिमान है, एक प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में गतिमान है। तो गतिमान जो है, तो इसका मतलब जिसके जो गतिमान अगर कोई चीज है और उसके सामने जो उसे देख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सामने से उसे देख रहा है, जो अपने, तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है ना, वहाँ ऐसा कोई है, वहाँ उसी की अपनी तीनों की एक एनर्जी है जो केंद्रित होकर के उसको देख रही है, जिसमें हमने ये कहा कि परमात्मा की जो एनर्जी है, जो तीसरी पोजिशन पे, वो तो सभी कह देते कि मर गया है तो परमात्मा की देन थी, जिंदा है तो परमात्मा की देन थी, मगर ये दो की जो देन है, ये कहाँ से आप कब स्पष्ट करोगे और कैसे आप इसको समझोगे कि ये साकार से निराकार जा रहा, और ये जो जीव आत्मा है, ये जीव आत्मा सूक्ष्म कैसे और एक से अनेक कैसे। तो वो जो ये तीन फार्मूले हैं, ये एक से अनेक अपनी कल्पना से, सिर्फ कल्पना है, उसमें कल्पना हुई है और है कुछ नहीं, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये संसार जगत जो है आपका कल्पित है। तो ये जो कल्पना है, विचार है या संकल्प है, तो वहाँ पे अनजन्मा वो है और जन्म यहाँ हो रहा है, वो अबदल है, वो बदलता नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है तो वो सही है कि वो अबदल है और यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक है, यहाँ अनेक है। तो बहुत सारी जो संसार में सिस्टम, मगर संसार में वो है और संसार उसमें है। तो मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि वो जो कल्पना की थी वो मेरी, वो 21 साल वाले की थी, ना कि 80 साल वाले की थी जो कल्पना। तो वो कल्पना को उसने फैलाया था और उसने उसको समेट लिया। तो ये जो चीज, ये जो फैलाव देख रहे हो, जो ब्रह्मांड का देख रहे हो, ये ब्रह्मांड ये तीन फार्मूले का ये विस्तार है, और इसमें वो तीनों फार्मूले हर स्थिति में मौजूद हैं, कैसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे वो तीनों फार्मूले ना हो, और ये पूरा ब्रह्मांड उसी तीनों में ये समाहित है, उन्हीं तीनों के उससे सारा सिस्टम ये दिखाई सुनाई और समझ में आता है। तो ये जो हम बोध की बात कर रहे हैं, बोध में ये चीज वहाँ पर ऐसी है, और बोध की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कोई चीज पैदा हो रही हो, कोई चीज निकल रही हो, ऐसा वहाँ बोध में कुछ नहीं है। बोध की एक समझने की प्रक्रिया है, मैंने एक बात पहले की कि स्वयं से स्वयं को वो वहाँ पर बोध के समय पर कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई जगत नहीं। ये बात भी मैंने पहले ही आपको एक बार अभी पीछे एपिसोड में बताई थी कि जब हमारी पोजिशन जागृत की होती है तो हम जगत को देखते हैं, और जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो स्वप्न को देखते हैं, और जब हम सुसुप्ति में होते हैं तो हम लोगों को देखते हैं। भाई देखते ही क्यों हो, देखना ही बहुत जरूरी है कि देखते रहने क्या, और कुछ करना नहीं है, देखते रहना। तो देखना वहां पर स्वयं से स्वयं को देख रहा है, तो हल्का समझ रहा है, और उसके बाद में वहां जो शब्द हो रहा है वो शब्द को सुन रहा है। तो वहां की गतिविधियां जितनी भी जो चल रही हैं, वो गतिविधियों पर पूरी उसकी नजर बनी हुई है। अब वो देखने वाला वहां कौन था, ये तो मेरी भी उस वक्त समझ से बाहर है कि वो देखने वाला वहां कौन था। तो मैं तो शरीर तो था नहीं, मेरी बुद्धि थी नहीं, मेरी दृष्टि थी नहीं, मेरी आंख थी नहीं, मैं वहां मैं जैसा कोई सवाल नहीं था, मगर वहां तीनों की कोई ना कोई एक एनर्जी जो थी, वो एनर्जी, तीनों की एनर्जी, वो तीनों स्थितियों को अपने आप से अपने आप को देख रही थी, अपने आप से अपने आप को समझ रही थी, अपने आप से अपने आप आपको सुन रही थी। तो वो सुन रही थी, ऐसी स्थिति जो बोध की है, वो बोध की एक अलग ही स्थिति है। कहने को कोई भी संत महात्मा बोध के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं करें,
वो एक अलग चीज है, किसी की शास्त्र को पढ़ करके कोई भी गया। यहाँ तो हमें शास्त्र शास्त्र का किसी चीज का ज्ञान नहीं, मगर मैं स्थिति आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध की स्थिति इस प्रकार की और इस तरीके की होती है। वो अगर हम बहुत गहन अध्ययन करें तो वो जो जटिल है, और हम इसे साधारण तरीके से लें तो हम साधारण तरीके से भी इसको समझ, जो हमने आज आपको साधारण तरीके से एक प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया, एग्जाम्पल दे, हाँ एग्जाम्पल दे के प्रयास किया कि ऐसे वो वहाँ पे समझा जा सकता है बोध की स्थिति को। और बोध की स्थिति जिन जिन संत महात्माओं ने की है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, कई एंगल से हम आपको रात दिन समझाएं, मगर किसी अनुमान और अनुभव में बहुत अंतर है। और ये प्रयास आप कितना भी करा लो, प्रयास से कुछ नहीं होता है। और कितना मैं आपको समझा लूँ, समझने से कुछ नहीं होता, सामना आमना होने से ही सामना होता है, तभी ये बात सामने आ सकती है। तो ये उसमें एक बुद्ध की स्थिति को हमने प्रयास किया कि आसानी से आपको समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट बाय अ वेरी सिंपल फैक्ट। फर्स्टली द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट इज बेसिकली द ट्रू स्टेट ऑफ विटनेसिंग, राइट? बिकॉज इन एनलाइटनमेंट देयर इज अ विटनेस एंड एवरीथिंग इज सीन, but this is a witness in which there is no center, there is no personality, there is no center, there is no ego, there is no system at all, but there is only the state of seeing, or there is only the state of witnessing, right? And this state of witnessing, which is very very pure in the sense there is no personality in it, there is no center in it, there is no system in it. And it is very energetic state. It is as energetic, it is so energetic that it is able to see the whole cosmos in a very, very minute way, you can say. And the whole cosmos seems to be arising and dissolving, seems to be arising and dissolving, right? So this is seen in that state of pure witnessing. So in simple words, you can understand by just imagining or visualizing the state of witnessing. Just as you can witness your body, you can witness your mind. Okay, so if there comes a witnessing in which the whole cosmos can be seen, everything can be seen very very clearly, so that is the state of enlightenment. But in that witnessing there is no center. In the normal witnessing, there is a center. Suppose I am seeing my body, I am seeing everything, I am seeing people walking around me, okay, whatever is happening, I can see it. But there is a center, okay, there is me, there is a sense of me, right? Then again, I can see my thinking also, thought process also, my emotions also. Okay, whatever I am imagining, okay, this can also be witnessed, okay. But in this type of witnessing, there remains a center. There remains, suppose I am talking to you, Satendra is talking to you. So there is a sense of Satendra in this normal witnessing. But the witnessing Sharmaji is talking about enlightenment, in that witnessing there is no center. That is pure witnessing. And in that witnessing, okay, the whole cosmos can be seen very clearly. Hopefully, you will be watching this video a little diligently, carefully, and you will understand what we mean to say about enlightenment. Thank you.